हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकास टेक्निकल आइडियाज़। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हर घर की और हर ऑफिस की ज़रूरत सोलर इन्वर्टर और नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी के बारे में। ठीक है, कौन सी आपके लिए बेनिफिशियल है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। आपको मैं टोटल डिफरेंस बता देता हूँ, 5 डिफरेंस हैं इनमें, कि कौन सा डिफरेंस आपको अच्छा लगा और कौन सा बुरा लगा वो आप अपने अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 डिफरेंस के बारे में। तो रिप्लेसमेंट वारंटी, जो नॉर्मल बैटरी होती है 3 ईयर, 3 साल की वारंटी इसमें आपको मिलती है, इस रेंज में जिस रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, 150 एम्पीयर की। और सोलर बैटरी में आपको मिलेगी 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं लाइफ लिमिट की, कि कौन सी बैटरी कितने लाइफ तक चल सकती है। ठीक है, अगर 3 साल की गारंटी की बैटरी है नॉर्मल बैटरी, तो वो 4 से 5 साल चलेगी। ठीक है दोस्तों, आप यूज भी करते होंगे। और यहाँ पे जो बैटरी आती है ये 5 साल की आती है सोलर वाली, इसी रेंज में इतने बजट में ही, तो ये 6 से 7 साल चल जाती है। ठीक है जी, तो अब हम बात करते हैं तीसरे डिफरेंस की, प्राइस। तो प्राइस नॉर्मल बैटरी का जो प्राइस है वो एवरेज प्राइस है। ठीक है जी, तो इसमें इसी रेंज में आप इसको 3 साल की मिलेगी नॉर्मल बैटरी में, और इसी रेंज में आपको 5 साल की मिल जाती है 1 या 2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने पर। ठीक है जी, तो आपके लिए बेनिफिशियल जो भी है आप सोच समझ के लीजिएगा। ठीक है, अभी तक तो नॉर्मल बैटरी आपने यूज किया है, सोलर बैटरी अभी कुछ टाइम पहले आई है। बैकअप टाइम की अगर हम बात करें, तो बैकअप टाइम है 3 से 5 घंटे नॉर्मल बैटरी का। ठीक है दोस्तों, और सोलर बैटरी की जो बात करें तो 4 से 6 घंटे है। ठीक है दोस्तों, तो इसका बैकअप थोड़ा अच्छा है, 20 से 25% नॉर्मल बैटरी से ज़्यादा है, क्योंकि सोलर पे चार्ज होती है तो अच्छा बैकअप मिलता है। और रेटिंग की हम बात कर लेते हैं, C20 रेटिंग है नॉर्मल बैटरी की, और C10 रेटिंग है सोलर बैटरी की। तो इसमें डिफरेंस मैं अब आपको बता देता हूँ। रेटिंग जो अच्छी है, आपको लग रहा होगा C20 अच्छी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, C10 रेटिंग अच्छी है। तो मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से C10 रेटिंग ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, सोलर बैटरी के लिए तो हर चीज़ में सोलर बैटरी अवेलेबल, मतलब अच्छा है इसका रिजल्ट बिल्कुल। तो हम नॉर्मल बैटरी का सबसे पहले चेक कर लेते हैं, C20, तो ये 150 एम्पीयर है इसका। ठीक है दोस्तों, तो ये 20 150/20, मतलब 0 से 0 कट गई, और 2 से इसको भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 7.5, 7.5 एम्पीयर। ठीक है, 7.5 एम्पीयर तक चार्ज कर सकते हैं और 7.5 एम्पीयर तक करंट हम ले सकते हैं। तो C20 मतलब नॉर्मल बैटरी का ये एवरेज है। और इसका बात कर लेते हैं सोलर बैटरी की, तो सेम ही प्रोसेस है, तो इसको भी हम SH कट कर देते हैं और 0 से 0, तो यहाँ पे आ गया 15 एम्पीयर। तो 15 एम्पीयर हम चार्ज कर सकते हैं और 15 एम्पीयर हम इसको ले सकते हैं, तो मानने की बात है सोलर बैटरी अच्छी है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हैं बैटरी को।